उनके गाने गाए हैं के सर के, बट जो मैंने म्यूजिक सीखा है वो सोनू निगम सर से सीखा है, और मेरी मदर का तो मेरे पे हाथ है ही, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू माय मॉम, सोनू निगम सर एंड के सर। यस सर, ग्रेट सर। जैसा कि आपने बताया भी कि इनिशियल राउंड्स में कई बार रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है, तो मेरा सवाल भी उसी से है कि एकेडमिक लाइफ हो या एंटरटेनमेंट लाइफ हो, एज अ स्टूडेंट भी हमें कई बार रिजेक्शन फील करना पड़ता है, तो आपने ऐसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया और सबसे इम्पॉर्टेंट उसको टैकल कैसे किया? 2007 में ही, नो 2006 जो फर्स्ट लिटिल चांस आया था, तो मैंने उसके ऑडिशंस दिए थे, तब मैंने स्टार्ट किया था गाना, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं छोटा ही था, तो छोटे बच्चे वैसे ही होते ना कि अब मैं कभी नहीं गाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा, तो वैसा ही था। बट दो चार दिन बाद आई वॉज नॉर्मल, आई वॉज सिंगिंग अगेन स्कूल में, देन आई I've won few competitions, I've performed in Commonwealth, और काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जब मैंने परफॉर्म किया, मेरे को और कॉन्फिडेंस आने लगा, मॉम के साथ मैं गाने लगा, दिल्ली में लोकल शोज़ करने लगा, आई यूज़ टू गो इन कैफेज, वहाँ पर गाया, धीरे धीरे एक सपोर्ट, खुद का ही खुद से सपोर्ट फील हुआ कि नहीं नहीं आई हैव टू डू एंड आई कैन डू। उसके बाद फिर इंडियन आइडल में भी मेरे को रिजेक्शन मिली थी, 2017 में मैंने ऑडिशंस दिए थे, उसमें सोनू निगम सर जज थे, फारा खान मैम जज थे, अनु सर जज थे, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था, और अगेन फिर मैंने अपने घर जाके ही बोला था कि अभी मैं कभी भी रियलिटी शो में नहीं जाऊंगा, इतना अच्छा गाया मैंने, मुझे क्योंकि हमें खुद को पता होता है, जैसे आप स्टूडेंट हो आपको पता है कि आपने पढ़ाई की है, आपको पता है आप पास हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, टीचर का काम तो बाद में वो चेक करेंगे, खुद को हमें पता है ना कि हमने सही गाया या नहीं गाया, तो मुझे पता था मैंने अच्छा गाया ना, आई वाज 100% कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं हुआ। उस टाइम भी मेरे को बहुत 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 डीमोटिवेट हो गया था, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था कि यार यार अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। फिर मैं घर गया, फिर नेक्स्ट ईयर अनाउंसमेंट हुआ कि वापस से इंडियन आइडल हो रहा है, जजेस आर चेंज, पैनल चेंज है, द डिफरेंट प्रोडक्शन इज डूइंग, सब कुछ, सब नए लोग हैं, एंकर मनीष पॉल भैया, उनको मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स मी, तो मुझे पता लगा कि इस बार अलग ही टीम है। बट पेरेंट्स ने फिर बोला, मैं उनको बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना है, बट फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, लास्ट टाइम प्लीज़ गो फॉर अस, गो फॉर अस, एंड आई वॉज लाइक कि ओके आई विल गो। इन द मोमेंट आई स्टार्टेड सिंगिंग, एवरी वन वॉज लाइक दिस टाइम यू आर गोइंग डेफिनेटली इन द फाइनल्स, तो वो सुन के मैं एकदम चार्ज हो गया था। तो आई थिंक दो तीन बार मैंने ऐसे रिजेक्शंस फेस किया लाइफ में, बट मुझे उससे फ़र्क सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए पड़ा, मेरी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पर। और मैं इनफैक्ट मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, जो हम यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं हर चीज़ से, मतलब परेशान हो जाते हैं, 2-3 नंबर भी कम हो जाए उनके जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, दे गेट स्ट्रेस, इट्स ओके यार, ये आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मुझे भगवान ने ये लाइफ दी है जिसमें मैं सबके साथ बैठ सकता हूँ, सबको हंसाने की कोशिश कर सकता हूँ, चुप कराने की कोशिश कर सकता हूँ, कोई सैड है उसको हंसाने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर मैं सैड हूँ तो मुझे कोई हंसाने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ही ग्रेटफुल, हमेशा ही थैंकफुल रहना चाहिए गॉड का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया लाइफ जीने का। मुझसे हमेशा मैं नीचे देखता हूँ कि मेरे से जो कम है वो कैसे जी रहे, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। सो टेक्टोनाइट्स, ये आपके लिए था कि रिजेक्शन इज नॉट द एंड। तो सर अभी अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो ट्रोलिंग कल्चर बहुत पीक पे है, और ख़ास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, ट्रोलिंग फेस करना पड़ता है, तो मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि हाउ डू यू डील विथ योर ट्रोलर्स? आई एम नॉट दैट फेमस कि मुझे कोई ट्रोल करे, बट अगर कोई करता भी है इन फ्यूचर तो वो उनका अपना मानना है, आई रिस्पेक्ट दैट, यही बोलूँगा मैं कि वो उनका अपना सोच है, वो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया है रादर देन अपने पे काम करने पे, उन्होंने मेरे जो मैं करता हूँ लाइफ में उस पे ज़्यादा ध्यान देके उसमें उन्होंने टाइम दिया है उनको, वो तो मतलब मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब मैं स्ट्रेस हो जाऊँगा, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, मेरा काम है म्यूज़िक करते रहना या मेरा जो हैप्पीनेस है वो करते रहना। और दूसरी चीज़ दैट आई एम नॉट टू मच इन टू सोशल मीडिया, आई फोकस ऑन माई life, my future, my family, friends, this is my world. I don't go beyond that. I respect social media, I respect everyone,
बट अभी फिलहाल के लिए आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो मेरे लिए यही है कि जो चाहे वो मेरे को नहीं, वो किसी और को भी अगर ट्रोल करते हैं तो उनसे फ़र्क ना, ट्रोल जो हो रहा है उसको तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. मेरे जितने भी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उन्हें कोई ट्रोल करता है तो, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं, वो अपने हार्डवर्क में ही रहते हैं. यस सर, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी क्योंकि आपका बॉलीवुड प्लेबैक डेब्यू वारियां के साथ हो चुका है. तो मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि अब आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो अभी हिडन है एंड मैं चाहता हूँ कि वो एज अ सरप्राइज ही आप लोगों के सामने आए. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं और लाइनअप में हैं. प्लेबैक तो फिर वो बाद में, वो मेरी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी और मेहनत करता हूँ. अभी जितनी की उसके हिसाब से मुझे जितना मिला आई एम वेरी हैप्पी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शिट मेरे को इतने साल हो गए, मैं 7 ईयर्स की एज से गा रहा हूँ, 7 ईयर की एज से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है इससे. दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड. बॉलीवुड इज़ टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड. लाइव शोज इज़ टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड. कुछ मैच नहीं है उनका. जहाँ पे जो हम गाते हैं लाइव शोज़ में वो बिल्कुल अलग होता है, बट जब हम स्टूडियो में जाते हैं वो बिल्कुल अलग होता है. वो टेस्ट होता है आपका, वो एक्चुअल टेस्ट है, वो एक्चुअल आपका फिनाले पॉइंट है. एक्चुअली मेरे लिए वो फिनाले है. व्हेनेवर आई गो इन स्टूडियोज मुझे हमेशा से लगता है मैं हमेशा नर्वस होता हूँ, बट लाइव शोज़ के लिए आई एम नेवर नर्वस, क्योंकि वहाँ पर आपको सब चेयर करने वाले हैं, सब करने वाले हैं. बट स्टूडियो में यू आर ऑल अलोन स्टैंडिंग बिहाइंड द माइक and you have to give your best. Nobody is going to teach you. सर, आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू शेयर कि हमारे टेक्नो में भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बीट सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग. तो मैं आपसे कुछ टिप्स या एडवाइस चाहती हूँ जो आप उन्हें दें, स्पेशली फॉर द एस्पायरिंग सिंगर्स. जस्ट कीप लिसनिंग गुड म्यूजिक, कीप हमिंग गुड म्यूजिक, कीप जस्ट कीप सिंगिंग. यार मैंने तो, मैं अगर मेरे को आप लोगों ने इस लाइक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, थैंक यू. बट मैं सबको यही बोलता हूँ, मैंने किसी से नहीं सीखा है, सिर्फ गा के यूट्यूब पे म्यूज़िक सुन के, रफ़ी साहब का, किशोर साहब का, आडी बर्मन साहब का, पंचम दा का, बप्पी दा का, सबका म्यूज़िक सुन सुन के मैंने हमेशा सबका थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेने का ट्राई किया कि इनसे ये सीखता हूँ, इनसे ये सीखता हूँ. यही है मेरे सब गुरुज़. तो मैं बोलूँगा कि यार आप खुद ही अपने गुरु बनो एंड खुद को मोटिवेटेड रखो, किसी से कॉम्पिटिशन मत करो, खुद से करो, तब आपको असलियत अपनी पता चलेगी कि मैं कहाँ हूँ. दैट्स द ओनली वे टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है. सो टेक्नोइट्स, इन एडवाइसेस को नोट कर लीजिए. सर, मेरा आखिरी सवाल कह सकते हैं कि जो आपकी ऑडियंस है या फिर टेक्नोइट्स है, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? स्पेशल मैसेज ये है कि हम लोग कल बहुत मस्ती करने वाले हैं एंड आप सब लोगों को मुझे सपोर्ट करना है. जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना बेस्ट मैं अपना दूंगा. बेस्ट तो वैसे भी दूंगा, बट अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करोगे तो मैं थोड़ा और चेरिश्ड फील करूँगा, थोड़ा ऑ में रहूँगा आप लोगों के, और ज़्यादा मस्ती मैं कर पाऊँगा. जितनी मस्ती मैं कर पाऊँगा उतनी आप लोगों को करा पाऊँगा. एंड आई ट्राई कि मैं जितने लोग मुझे सुनने आ रहे हैं कल, उन सबसे मैं सबको मैं खुश कर पाऊँ, हैप्पी कर पाऊँ अपनी परफॉर्मेंस से. थैंक यू सो मच सर. सर, बस जाने से पहले अगर आप दो बोल गुनगुना दें तो. तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया. थैंक यू सो मच सर. इट वॉज ग्रेट लिसनिंग यू लाइव एंड इट वॉज ऑनर टू हैव यू बिटवीन अस. थैंक यू सो मच सर.